आपने रियल पिक्सल माउंट गेम प्ले वाली वीडियो तो आपने देखी होंगी मेरे चैनल पे, क्या नहीं देखे हो तो भाई जल्दी से जाकर देख लो, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैंने आप लोग को रियल पिक्सल माउंट खेल कर दिखाया है जो की भाई जावा एडिशन में चला है, ठीक है। तो वो आप लोग एक बार देख लेना। और इसी के साथ मैं आप लोग को बता दूं, जो जो चीजें आपने इस वीडियो में देखी है वो सेम चीजें आज मैं आप लोग को एक मोड में देने वाला हूं, यानी कि एक एडोन में देने वाला हूं, वो भी आप लोग पॉकेट एडिशन में प्ले कर पाओगे। तो भाई ये पॉकेमॉन मोड सबसे ज्यादा तगड़ा लगता है मुझे फॉर पॉकेट एडिशन के लिए। और इसी के साथ आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही तगड़ी होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ मैं आप लोग को बताता हूँ सारी की सारी चीजें, तो उसके लिए यार सबसे पहले तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को। एंड जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा अपना माइनक्राफ्ट, एंड यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले तो एक क्रिएट न्यू वर्ल्ड करता हूँ एंड दिखाता हूँ आप लोग को कैसे उस मोड को आप लोग को अप्लाई करना है। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर दिया है, एंड इसी के साथ यहाँ पर वर्ल्ड नेम मैंने लिखा है पिक्सल माउंट मोड, एंड यहाँ पर इसको मैंने सर्वाइवल में कर दिया है। एंड इसी के साथ यहाँ पर इसको कुछ नहीं करते हम लोग, एंड इसके बाद आप लोग को चले जाना है यहाँ पर चीट्स में, क्योंकि हम लोग को थोड़ा चीटिंग करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि भाई यहाँ पर भाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ऑन कर देना जिससे कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड इसी के साथ यहाँ पर आप लोग को और कुछ नहीं करना, एडवांस में भी कुछ नहीं करना आप लोग को, चीट्स में तो हमने ऑन कर दिया। एंड यहाँ पर रिसोर्स पैक में हम लोग को जाना है, एंड यहाँ पर ऑन पे आप लोग क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप लोग के पास जो जो मोड है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाने वाली है। जैसे कि देख सकते हो ये वाली मोड की मैं बात कर रहा था जिसका नाम है पॉकेट मॉम्स, ठीक है। तो इसको आप लोग को यहाँ से एक्टिवेट कर देना है, एंड इसके बाद आप लोग को बियर्ड पैक में जाकर वही वाली फाइल को यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है, एंड इसी के साथ यहाँ पर मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर और भी कुछ आप लोग को करने की जरूरत है नहीं, बस इतना करना है आप लोग को। एंड और एक चीज मेन चीज है भाई, जो कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले आप लोग को पूरा पूरा ऑन कर देना है। ये गेम प्ले वाला आप लोग ऑन करना चाहो या ना चाहो वो फर्क नहीं पड़ता है, बट आप लोग को यहाँ पर एड ऑन क्रिएटर्स वाला ऑन करना है। ओके, यहाँ पर इसको ऑन कर देते हैं हम लोग, एंड इसी के साथ इसको 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 और इसको, इन पांचों को आप लोग को ऑन कर देना है। देन यहाँ पर आप लोग को क्रिएट पर क्लिक कर अपना वर्ल्ड क्रिएट होने देना है। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा वर्ल्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी स्किप नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई कि आप कुछ और ओपन करके दिखा देते हो, बहुत सारी चीजें मैं कर देता हूँ। भाई मुझे नहीं पता खुद कि मैं कैसे कर देता हूँ, बट यहाँ पर मैं आप लोग को सामने से दिखाने वाला हूँ विदाउट कट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइम लैप्स कर देता हूँ जिससे आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देखकर समझ रहे हो भाई, अब आप लोग को थोड़ा हिंट मिल गया होगा कि मैं क्यों इसको रियल पिक्सल मोड कह रहा था। तो यहाँ पर आप लोग देखो हम लोग को पॉकेमॉन सिलेक्ट करने को मिला है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर तीन जनरेशन आया, जैसे कि देखो यहाँ पर चार्मेंडर, स्क्वाडल एंड बाल्बासोर जो कि जनरेशन वन से है, एंड यहाँ पर जनरेशन टू से सेंडाकोइल, टोटोडाइल जो कि मेरा सच्ची में बहुत ज़्यादा फेवरेट है, एंड इसी के साथ चिकोरीटा जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, एंड इसी के साथ यहाँ पर चेमचार जो कि जनरेशन थ्री से है, एंड पिपलब। भाई पिपलब भी बहुत प्यारी है यार, मतलब ये दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, टोटोडाइल और पिपलब एंड टर्टविग। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल सी बात है, टोटोडाइल मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, उसकी हरकतें करने वाली तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और मैं टोटोडाइल की आवाज़ निकाला, मुझे भी नहीं पता मैंने अचानक कैसे निकाल लिया, बट अगर आप लोग को अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैं टोटोडाइल को ले लेता हूँ, एंड इसी के साथ यहाँ पर स्टार्ट एडवेंचर पर क्लिक करते ही हम लोग के सामने जैसे कि देख सकते हो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि देखो इन्वेंट्री में मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें आ चुकी है, जैसे कि देखो यहाँ पर पाँच पॉकीबॉल है हमारे पास, एंड यहाँ पर तीन हम लोग के पास ग्रेट बॉल है, एंड इसी के साथ पॉर्सन है पांच हमारे पास, एंड यहाँ पर ओल्ड रनिंग शूज है हमारे पास जिसको मैं एक बड़ी पहन कर देखता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर शायद से अब हम लोग तेज भाग पाएंगे। ऑल राइट भाई, एंड इसी के साथ हम लोग को ये वाली जीयूआई मिलती है जिसपे हम लोग को क्लिक करना है, एंड यहाँ पर स्निक करके हम लोग क्लिक करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर जीयूआई पर आप लोग जैसे ही होल्ड करके रखोगे, स्निक करो या फिर ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर जैसे आप लोग स्निक करना है, जैसे कि देखो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पॉकीबॉल सिलेक्ट होगा, एंड उसके बाद जैसे ही अपना पॉकीबॉल सिलेक्ट कर लूंगा, एंड उसके बाद मैं एक बारी स्निक करूंगा। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग को एक बारी होल्ड करना है, एंड देख सकते हो भाई यहाँ पर आ चुका है हमारे टोटोडाइल का, सिलेक्ट है एक्शन टू परफॉर्म ऑन दिस पॉकीमॉन। ओके, तो यहाँ पर सेंड आउट कर सकते हैं उसको, रिलीज कर सकते हैं, एंड ट्रांसफर टू पीसी कर सकते हैं उसको, उसको एक निकनेम दे सकते हैं टोटोडाइल से हम लोग कुछ भी, बट मैं नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि भाई ऐसा नाम ही बेस्ट लगता है मुझे। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं, चेक समरी। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है टोटोडाइल के बारे में, तो वो सब अभी हम लोग फिलहाल नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्लिक करते हैं एंड सेंड आउट करते हैं, देख सकते हो भाई अपना पॉकीमॉन यहाँ पर बाहर आ चुका है, जो कि भाई देखने में बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। भाई देख रहे हो अपने पॉकीमॉन को, एंड इसको हम लोग फाइट भी करा सकते हैं, बट वो सब चीज़ें हम लोग आगे करेंगे।
फिलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ इसके ऊपर, तो इसको मैं यहाँ से फिर से वापस रिटर्न कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा एंड देखते हैं भाई आगे का क्या सीन है। यहाँ पर सामने की तरफ कुछ पॉकीमोन है, लाइक आप लोग देखो यहाँ पर बैराबेल है, बीडोफ है, एंड सामने की तरफ चलते हैं देखते हैं भाई और कौन कौन से पॉकीमोन है। यहाँ पर मैग्नेमाइट है यहाँ पर, जिसको मुझे नहीं देखना है, एंड इसी के साथ कौन सा है, मैग्नेमाइट यहाँ भी है भाई, एंड वीडियो पता नहीं भाई ये सब ऐसे डिजर्ट वाले पॉकीमोन है। तो यहाँ पर ओके, ये वाला पॉकीमोन कुछ खास लग रहा है मुझे, स्कॉर्पी, स्कॉर्पी ओके। तो यहाँ पर इधर से चलते हैं हम लोग, क्योंकि इधर हम लोग को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो यहाँ से वेट, ये क्या है भाई, हेलो, ये तो भाई अलग सा चीज़ देखने को मिल गया मुझे। देख रहे हो भाई सामने हवा में उड़ रहा है वो आइलैंड पूरा का पूरा, बट उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको वैसे रहने देते हैं हम लोग। एंड देख सकते हो भाई ये कुछ ऐसा लग रहा है हम लोग का देखने में, एंड गेम बहुत ज़्यादा ही प्यारी है भाई। अगर आप लोग पानी के अंदर जाओगे तो वहाँ भी आप लोग को बहुत तरह तरह के पॉकीमोन मिलेंगे। एंड मैं इधर क्यों आ रहा हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग जैसे कि देखो एक पेड़ आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें आप लोग दिख रही होगी भाई। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लटकी हुई है, तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर स्लिप इसको हम लोग को मतलब यहाँ से तोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अफ्रीकन देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से हम लोग पॉकीबॉल बना सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी इसमें नहीं उगी है भाई, इसमें उगने पर है शायद से, तो अभी फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं हम लोग। एंड यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, एंड सामने की तरफ देखो और भी, अबे नहीं यार सामने की तरफ देखो और भी पेड़ है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, और ये क्या है भाई, हेलो लिकिटंग है क्या, अबे नमूने क्या कर रहा है तू यहाँ पर। तो भाई साहब देख रहे हो कितना तगड़ा लग रहा है देखने में। यहाँ पर इसको सेंड आउट करते हैं, एंड लड़ेगा क्या तू, लड़ेगा ओके भाई लड़ेगा, ऐसे करके बैटल भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर ट्यूटोरियल को मैं भेजना मतलब सही नहीं समझूंगा, तो यहाँ पर एंडेड कर देते हैं। हम लोग को कुछ करना नहीं है भाई, बस यहाँ पर कोई भी पॉकीमोन, जैसे कि देखो मैं एक टोटोराइल के लेवल का पॉकीमोन ढूंढ लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर 3 लेवल का बिडूफ है ओके, तो इस पर हम लोग यहाँ पर बैटल करते हैं। अबे रुक जा तू लड़ेगा, चलो भाई यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होने वाली अपनी। एंड इसी के साथ देखो यहाँ पर आ चुका है, एंड उसका 17 है मेरा 22 है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं मेटल क्लॉ करूँ या फिर आइस फैंग करूँ, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ मेटल क्लॉ करूँ, क्योंकि भाई सामने वाला नॉर्मल टाइप है तो उस पर आइस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर उसने क्विक अटैक किया है, और देख सकते हो भाई उसका 14, भाई मेरा कुछ ज़्यादा ही पड़ा। तो यहाँ पर आइस फैंग अटैक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख सकते हो आइस फैंग अटैक हुआ है उसके ऊपर, एंड उसने स्कल बेस अटैक किया। भाई सब मेरा टोटल जाने वाला है, बट यहाँ पर मैं इससे यहाँ से HP को रिस्टोर कर लेता हूँ। पॉर्सन यहाँ पर मारते हैं अपने पॉकीबॉल के ऊपर, पॉकीमोन के ऊपर, एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई अपना हो चुका है। एंड मैं सोच रहा हूँ इस बार स्क्रैच अटैक करूँ ओके, तो स्क्रैच अटैक किया हमने, एंड देखते हैं अब उसका हेल्थ कितना है भाई। उसने किया फैकेर ओके, तो 1 हो गया है हमारा, स्क्रैच पढ़ते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलो हमने स्क्रैच किया एंड वो ख़त्म। भाई साहब देख सकते हो भाई यहाँ पर टोटोराइल ने बहुत मेहनत के साथ लड़ा भाई, कहाँ गया अपना टोटोराइल ओके, टोटोराइल को बाहर ले आऊँ क्या, वेट अ सेकेंड, तो टोटोराइल को अपना बाहर लाते हैं। जैसे कि देखो भाई साहब, तो इसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग को पॉकीमोन सेंटर ढूंढना पड़ेगा, या फिर पॉकीमोन को रिस्टोर करने वाला जो आता है भाई वो मशीन, उसको बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी मेरे पास नहीं है वो मशीन, तो इसको यहाँ पर हम लोग पॉकीबॉल के अंदर ही डाल देते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर मतलब हील होता रहेगा ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं भाई ये विलेज के अंदर, क्या पता यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाए। और अगर आपने मेरी गेम प्ले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आप लोग को सब कुछ बताया होगा भाई, कि वहाँ पर कैसे हम लोग पॉकीमोन हील कर सकते हैं, पॉकीमोन पकड़ सकते हैं। एंड उसकी भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जल्दी से ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ओके। तो चलो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं सबसे पहले तो, एंड अब मैं यहाँ पर आप लोग को पॉकीमोन पकड़ कर दिखाने वाला हूँ ओके। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कोई पॉकीमोन पकड़ कर, और यहाँ पर मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे भाई मेरा यहाँ पर हेल्थ ही लो हो जाएगा। तो यहाँ सामने की तरफ देखो एक मस्त सा पहाड़ है, वहाँ पर चलते हैं, क्या पता वहाँ थोड़े तगड़े तगड़े पॉकीमोन्स मिल जाए हम लोग को। तो यहाँ सामने की तरफ यहाँ पर ओके बिडोफ है ये वाला, एंड यहाँ पर ओके ये कौन सा है, स्कॉर्पी है भाई, स्कॉर्पी पता नहीं क्या है भाई, UPI आई डी है इसका क्या है मुझे नहीं पता, बट यहाँ सामने की तरफ चलते हैं। लार्वीटार मिला हम लोग को, तो उसके ऊपर फेंकते हैं ओके। तो यहाँ पर मैंने उसके ऊपर फेंका और वो नहीं आया, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर उससे लड़ने के अलावा। यहाँ पर टोटोराइल को हम लोग भेजते हैं, टोटोराइल का यहाँ पर हम लोग को HP रिस्टोर करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पॉशन से HP रिस्टोर उसका। ऑल राइट, तो अब होगा भाई टक्कर का मुकाबला। तो वो है एक रॉक टाइप पॉकीमोन, तो यहाँ पर मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइस फैंग अटैक करते हैं, एंड देखते हैं भाई साहब डैमेज किसको कितना होता है। सुपर पावर में गया क्या टोटोराइल, ख़त्म भाई टोटोराइल को ख़त्म कर दिया उसने। अबे भाई तू ऐसे ही आ जा ना, तू ऐसे ही आ जा। ऑल राइट, यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो मैंने पकड़ लिया क्या, अबे यार नहीं पकड़ा मैंने। चलो भाई आप आ जा, अब आ जाइयो प्लीज़। अबे यार अब भी नहीं आया यार, फिर से आ जा, फिर से मैं एक बार चांस दे रहा हूँ इसको। अबे यार आ जा ना प्लीज़ प्लीज़ भाई,
अबे यार मेरा यहाँ पर ग्रेट बॉल यूज़ करना पड़ेगा अब तो, अब कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है भाई। ले भाई ये वाला भी ग्रेट बॉल खा ही ले तू, इसकी आंख है भाई इसकी। ये लास्ट ग्रेट बॉल है, इसमें आ जाइयो प्लीज, ये लास्ट उम्मीद है भाई मेरी, खत्म भाई उम्मीद ही खत्म हो गई। चलो यार यहाँ से आगे चलते हैं, ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं अपना। यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो पॉकेमॉन सेंटर ढूंढना पड़ेगा भाई। निकलना तेरी भैंस की आँख, अल्लाह की नमूने है भाई भैंस की, निकल। अबे भागना यार यहाँ से, अबे समझ ही नहीं आ रही भाई इनको, मुझे मार देंगे यार। निकलना यार, निकल निकल। अबे यार बहुत गंदा डैमेज पड़ा मुझे। चलो यार यहाँ से चलते हैं हम लोग। अरे गोलम तेरे पास कुछ दिमाग है क्या, मतलब नर्स जॉय को देखा है तूने? चलो उसने नहीं देखा, तूने देखा? अबे तूने देखा है क्या, भैंस क्या हो कर रहा है भाई, मारने आएगा गोलम भाई। गोलम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तू आएगा ले भाई मार दे, फोड़ फोड़ फुट फुट फूट ना भाई, फूटेगा फूट ना। अरे भाई फूट ही नहीं रहा वो, निकल तेरी भैंस की, निकल तेरी भैंस की। अरे यार फूटिया भाई, अल्लाह की नमूना है भाई, क्रीपर को भी अलग ही नशे हो रखे हैं। चलो भाई सब फटा तो वो आखिरकार। ऑल राइट, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्रिएटिव मोड में जाने के अलावा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चलता हूँ इन्वेंट्री के ऊपर, एंड यहाँ पर मैं आप लोग को ऑल दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इन लोगों ने, क्योंकि भाई मैं खेलने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो आप लोग को भी ये गेम इन्जॉय करना, और आगे मैं बताता हूँ आप लोग कैसे डाउनलोड करना है इस गेम को। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को सारे के सारे पॉकेमॉन देखने को मिलेंगे, और देखो यहाँ पर कुछ लेजेंडरी पॉकेमॉन है, लाइक यहाँ पर देख सकते हो गिरेटिना है इसमें, एंड इसी के साथ देख सकते हो बहुत सारे पॉकेमॉन है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसा कि, एंड यहाँ पर लुगिया भी दे रखा है इन लोगों ने, लग्जरे भी दे रखा है इन लोगों ने, राइकू भी दे रखा है भाई, सो आप तो देख सकते हो ये सब पॉकेमॉन है। एंड यहाँ पर रैक्वाजा है, स्टेलिक्स है, आर्टिकूनो भी दे रखा है भाई, सो आप तो देख सकते हो इतने सारे पॉकेमॉन आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखो गैराडोस है, एंड बहुत सारे जनरेशन 1, 2, 3 यहाँ पर आप लोग को ऑल पॉकेमॉन देखने को मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगे, पॉकेमॉन कन्वर्टर एंड क्लोनिंग मशीन, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें दे रखी हैं इन लोगों ने, जैसे कि गेम इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि पॉकेमॉन पकड़ना ही बस एक मतलब हम लोग का मकसद ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं भाई और भी क्या क्या चीज़ें, लाइक आप लोग यहाँ पर देखो ये सब चीज़ें मिलती हैं हम लोग को, इसका मुझे पता नहीं क्या यूज़ है। एंड यहाँ पर बहुत सारे आप लोग को फर्नीचर भी देखने को मिलते हैं भाई, ये वाले मोड की यही तो खासियत है कि इसमें आप लोग को बहुत सारे फर्नीचर देखने को मिलते हैं, जो कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा ही तगड़ी लगती है ये चीज़ें, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दे रखे हैं इन लोगों ने। साथ ही साथ देखो यहाँ पर एप्रिकन दे रखा है, जो कि इन पेड़ से आता है भाई, आप लोग को मैंने बताया ही था। साथ ही साथ यहाँ पर देखो इसमें कुछ और दे रखे हैं इन लोगों ने, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पर ये सब आर्मर बना सकते हो। देखो एल्युमिनियम डॉन, ये सब और आप लोग को देखने को गेम में मिल जाएंगी जब आप लोग माइनिंग पर जाओगे तो। एंड इसी के साथ यहाँ पर उस ओर की मदद से आप लोग यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बना सकते हो, वेपन बना सकते हो, लाइक आप लोग देखो सॉर्ड है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो, जैसे कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। एंड इसी के साथ देखो नीचे और भी क्या क्या तगड़ी चीज़ें हैं, इनका मुझे यूज़ नहीं पता, बट गेम को खेलते जाओगे तो आप लोग समझ जाने वाले हो। एंड देख सकते हो ये सब बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं इसमें। देखो यहाँ पर पॉकेट एक्स भी दे रखा है इन लोगों ने, पॉकेट डॉलर ये तो पहले ही था, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रीजर पता नहीं इससे क्या होता है, पॉर्सन है, मैक्स पॉर्सन है। एंड यहाँ पर पॉकेबॉल कितने टाइप के हैं वो भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर कोई झमेला नहीं है पॉकेबॉल में, यहाँ पर देखो ग्रेट बॉल है सिंपल सा, एंड यहाँ पर अल्ट्रा बॉल है, ये रहा पॉकेबॉल, ये रहा मास्टर बॉल, चार बॉल होते हैं, चार बॉल दे रखा है उसमें, कोई डस्क बॉल ये सब बॉल वो सब बॉल नहीं दे रखा है इन लोगों ने। तो ये आप लोग को पूरी की पूरी वाइब दिलाने वाला है रियल पिक्सल माउंट मोड की। और अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो भाई जल्दी से कमेंट में बताना, और इस मोड को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग को सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाना है, एंड वहाँ पर आप लोग को सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में पिन की हुई एक कमेंट मिलेगी मेरी जो की होगी, एंड उस पर आप लोग को डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाने वाली है। उस लिंक को कैसे ओपन करना है सारी की सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझा रखा है, तो वहाँ से सिंपली आप लोग क्लिक कर रिसोर्स पैक एंड बिहेवियर पैक को इंस्टॉल करना, देन उसके बाद आप लोग अप्लाई करना नहीं जाते हो तो उसका भी मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, नीचे होगा हाउ टू इंपोर्ट माइनक्राफ्ट फाइल्स ऐसे करके कुछ होगा, उसका वीडियो आप लोग देख लेना। साथ ही साथ बहुत सारे बंदों का एंड्रॉयड 13 होगा अभी, तो उसमें भाई फाइल इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, तो वो आप लोग को नहीं करनी पड़ेगी वो वाली वीडियो अगर आप लोग देख लोगे। तो सबकी वीडियो की लिंक आप लोग को कमेंट बॉक्स में देखने को मिलने वाली है, डाउनलोड लिंक एंड हाउ टू ओपन लिंक्स एंड उसके बाद हाउ टू इंपोर्ट लिंक्स, सारी की सारी चीज़ें मैंने दे रखी है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चाहे बने हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि रियल पिक्सल मोड खेलना चाहते हैं पॉकेट एडिशन के अंदर। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।